हेलो फ्रेंड्स, हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं इलाहाबाद के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आइए देखते हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के जिले में से एक जिला है। इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर एवं इलाहाबाद जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। इसे तीर्थराज इन तीर्थों का राजा भी कहते हैं। इलाहाबाद भारत का दूसरा प्राचीनतम बसा नगर है। प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ मेला और 6 वर्ष में अर्ध महाकुंभ मेला लगता है। यह जिला प्रतापगढ़, जौनपुर, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, चित्रकूट एवं कौशाम्बी जिला से घिरा है। इस शहर का वर्तमान नाम अकबर द्वारा 1583 में रखा गया। इलाहाबाद दो शब्दों से मिलकर बना है। इलाह अरबी शब्द जिसका अर्थ है अल्लाह के लिए, जो कि अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन इलाही से संदर्भ से लिया गया है, एवं फारसी से आबाद अर्थात बसाया हुआ लिया गया है, यानी ईश्वर द्वारा बसाया गया या ईश्वर का शहर। इलाहाबाद का क्षेत्रफल 5482 वर्ग किलोमीटर है। ये समुद्र की सतह से 98 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इलाहाबाद की बोली अवधी है। हालांकि अधिकांश शहरी क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है। मुख्य भाषा हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू है। यहाँ हिंदू कुल जनसंख्या का 85% और मुस्लिम 11% है। इसके अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म लोगों की भी छोटी संख्या है। इस जनपद की जनसंख्या 59,54,391 है 2011 जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व 1,086 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की साक्षरता दर 72.32% है। पिन कोड यहाँ का 211001 और गाड़ी का नंबर UP70। दूरभाष कोड है 0532। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, गन्ना एवं पटसन हैं। इलाहाबाद जिले में 2 लोकसभा और 12 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा सीट फूलपुर और इलाहाबाद है। फूलपुर से नरेंद्र सिंह पटेल और इलाहाबाद से श्यामाचरण गुप्ता जी हैं। जिला में 8 तहसील हैं, जो निम्नवत हैं: सदर, मेजा, करछना, बारा, सुराव, फूलपुर, कोराव, हंडिया। इलाहाबाद शहर में कई बड़े अस्पताल हैं, जैसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, मोतीलाल नेहरू अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल, फिनिक्स हॉस्पिटल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, नाजरथ अस्पताल आदि। इलाहाबाद में सभी वर्गों के लिए बड़े होटल, धर्मशालाएं व गेस्ट हाउस इत्यादि हैं। कुछ प्रमुख हैं: होटल प्राइड, इलाहाबाद रेजेंसी होटल, हर्ष होटल, ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल, सम्राट होटल, मिलन होटल आदि। यहां कई क्रीड़ा परिसर हैं, जिनका उपयोग व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक खिलाड़ी करते हैं। इनमें मदन मोहन मालवीय क्रिकेट स्टेडियम, मेयो हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं बॉयज हाई स्कूल एवं कॉलेज जिमनेजियम है। जॉर्ज टाउन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तरणताल परिसर भी है। झलवा इलाहाबाद पश्चिम में नेशनल स्पोर्ट एकेडमी है, जहां विश्व स्तर के जिमनास्ट अभ्यासरत रहते हैं। अकादमी को आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय जिमनास्ट हेतु आधिकारिक ध्वज धारक चुना गया है। इसके अलावा इलाहाबाद किला, स्वराज भवन जिसका मूल नाम आनंद भवन था, उच्च न्यायालय, रानी महल, ऑल सेंट्स कैथेड्रल यहाँ के दर्शनीय धार्मिक स्थल हैं, संगम, हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, हनुमान निकेतन, सरस्वती कूप, समुद्र कूप, मनकामेश्वर मंदिर, शिवकुटी, भारद्वाज आश्रम आदि। अन्य दार्शनिक स्थल में जवाहरलाल प्लेटिनियम इलाहाबाद, इलाहाबाद संग्रहालय, पब्लिक लाइब्रेरी, चौक, घंटाघर, मेयो मेमोरियल हॉल, पत्थर गिरजाघर, त्रिवेणी पुष्प आदि। प्रसिद्ध घाटों में से सरस्वती घाट, अरैल यमुना घाट, संगम घाट, बलुआ घाट, बोट क्लब घाट, रसूला घाट, छतनाग घाट, शंकर घाट, दशावमेघ घाट, गौ घाट, किला घाट, नेहरू घाट, इसके अतिरिक्त 100 से अधिक कच्चे घाट हैं। यहाँ के प्रमुख पार्क कंपनी बाग, विक्टोरिया मेमोरियल, मिंटो पार्क, नेहरू पार्क, भरद्वाज पार्क, हाथी पार्क, पीडी टंडन पार्क, सरो बाग, बाई का बाग पार्क, गोल पार्क आदि। इलाहाबाद प्राचीन काल से ही शैक्षणिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। इलाहाबाद में स्थापित विश्वविद्यालय के नाम निम्नलिखित हैं: इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एग्रीकल्चर संस्थान, इंजीनियरिंग महाविद्यालय में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान इलाहाबाद जिसे MNNIT के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद इसे IIIA के नाम से भी जाना जाता है, हरिचंद अनुसंधान संस्थान BIT,
मेसा आदि। इलाहाबाद में सीसा और तार कारखाने काफी हैं। नैनी और फूलपुर यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी इफको फूलपुर क्षेत्र में स्थापित है। इलाहाबाद का भारतीय जिम्नास्टिस्ट में प्रमुख स्थान है। यहाँ की टीम सार्क और एशियाई देशों में अग्रणी रही है। झलवा में खेलगांव पब्लिक स्कूल जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। यहाँ के जिम्नास्टिस्ट को 33वें ट्यूलिट पीटर स्मारक कप में 2017 यानी हंगरी में 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में ही हुआ था। उन्होंने 3 लगातार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। इलाहाबाद में वायुसेना का विकास प्रगतिशील है। अभी इलाहाबाद विमान क्षेत्र से दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए सीधी या वाये उड़ाने भी हैं। अभी यहाँ का हवाई अड्डा एयरफोर्स स्टेशन बमरौली में ही है। इलाहाबाद में राज्य परिवहन निगम के 3 डिपो बस अड्डे हैं, लीदर रोड बस अड्डा, सिविल लाइंस बस अड्डा, जीरो रोड बस अड्डा। भारतीय रेल द्वारा जुड़ा हुआ इलाहाबाद जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ये अन्य प्रधान शहरों जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, छपरा, पटना, भोपाल, ग्वालियर, जौनपुर, जबलपुर, बंगलुरु, जयपुर एवं कानपुर से भलीभांति जुड़ा हुआ है। कुछ अन्य शहरों जैसे बांदा, फतेहपुर आदि से भी जुड़ा है। शहर में 11 रेलवे स्टेशन है। इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, फाफामऊ, प्रयाग, दारागंज, प्रयाग घाट, सूबेदारगंज, बमरौली, झूंसी, छिवकी आदि रेलवे स्टेशन यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ के प्रसिद्ध लोगों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, मुरली मनोहर जोशी, धर्मवीर भारती, ध्यानचंद आदि। यहाँ कई सिनेमा घर हैं जैसे स्टार वर्ल्ड सिनेमाज, पीवीआर, विनायक, चंद लोक सिनेमा हॉल, मानसरोवर सिनेमा, राजकरण पैलेस आदि।